बेल्ट ड्राइव द्वारा पावर ट्रांसमिशन करने की जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है उसके एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम के द्वारा समझाऊंगा कि जो बेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट की जो सरफेस स्पीड है वो कैसे निकालते हैं और उसकी जो ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली की जो RPM है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी रेशो क्या होता है। दी गई है कि एक ओपन बेल्ट ड्राइव में जो ड्राइवर पुल्ली का व्यास 140 मिलीमीटर है, जो मोटर वाली साइड जो पुल्ली है वो छोटी पुल्ली उसका व्यास 140 मिलीमीटर है और ड्रिवन पुल्ली जिससे कोई जो अन्य जो मशीन या कोई और चीज चलाई जा रही है जिसको हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो ड्रिवन पुल्ली का जो व्यास है वो 280 मिलीमीटर है और ड्राइवर शाफ्ट की जो RPM है जिसको हम इसमें N1 शो कर रहे हैं ये 720 है। तो ज्ञात करना है हमें, फाइंड आउट करना है एक तो ड्रिवन पुल्ली की जो RPM, जो दूसरी ड्रिवन पुल्ली की RPM उसको हम N2 लिख लेते हैं और बेल्ट की जो सरफेस स्पीड, बेल्ट की सरफेस स्पीड जो वेलोसिटी है वो और एक वेलोसिटी रेशो हम N1/N2 ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो ड्रिवन पुल्ली की RPM कैसे निकालते हैं, तो जो इसमें बेल्ट ड्राइव में जो वेलोसिटी रेशो होता है हमारे पास, वेलोसिटी रेशो वो होता है N1/N2 = D2/D1। तो इसका जो RPM का रेशो होता है और इनके जो व्यास होते हैं जो पुलियों के उनके बराबर होता है। तो N1 हमारे पास गिवन है 720, N2 हमने फाइंड आउट करना है और इसमें जो D2 हमारे पास गिवन है 280, D1 है हमारे पास जो ड्राइवर पुली का व्यास 140। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 आ जाएगा हमारा 720 × 140/280। तो हम इसको कट करेंगे जो, तो ये 360 आ जाएगा। तो RPM आ गई इसकी 360। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा जो ड्रिवन पुल्ली की जो RPM, आंसर 1 RPM ऑफ ड्रिवन पुल्ली। अब हम इसकी जो सरफेस स्पीड है जो बेल्ट की वो निकालेंगे। तो सरफेस स्पीड का जो फार्मूला होता है, सरफेस स्पीड ऑफ बेल्ट का πD1N1 = πD2N2। तो इसकी जो सरफेस स्पीड होती है यहाँ पे जो सरफेस पे जो मोटर के साथ जैसे पुल्ली अटैच है तो उसकी जो सरफेस स्पीड इसकी सरफेस स्पीड के बराबर होती है। तो उसको हम πD1N1 = πD2N2, तो दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, πD1N1 से भी और πD2N2 से भी। तो हम जो पहले πD1N1 से निकालेंगे इसको, पाई की जो वैल्यू है 22/7 आ गई, D1 हमारे पास गिवन है D1 140 और N1 कितना है, N1 है हमारे पास 720। तो हम इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 316800। तो ये हमारे पास मिलीमीटर आ गया हमारे पास। तो हमने इसको अब मीटर में कन्वर्ट करना है 316800। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 10 आएगा और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 आएगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 316.8 मीटर प्रति मिनट, ये इतनी इसकी वेलोसिटी आ गई। अगर हम इस वेलोसिटी को मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी सेकंड में भी आ सकती है, मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा दूसरा जो आंसर है, आंसर नंबर 2 आ गया इसका, दूसरे पोर्शन का 316.8 मीटर पर मिनट।
आगे हम तीसरा इसमें वेलोसिटी रेशो निकालेंगे। तो इसका जो पहला पोर्शन तो ये वेलोसिटी रेशो का था यहाँ पे, और दूसरा सरफेस स्पीड, और तीसरा जो इसमें वेलोसिटी रेशो है, तो जो आरपीएम का रेशो होता है, जो आरपीएम का रेशो होता है ये एन वन बटे एन टू, तो इसको हम वेलोसिटी रेशो बोलते हैं इसका। तो 720 डिवाइड बाय, अब एन टू हमारे पास कितना आया था, तो एन टू आया था हमारे पास 360। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 डिवाइड बाय 1 या 2 रेशो 1। तो इस प्रकार हमारा जो n1 बटे n2, तीसरा हमारे पास जो इनका वेलोसिटी रेशो आया है वो 2 रेशो 1 आया है। तो इस प्रकार हम ओपन ड्राइव में किसी भी बेल्ट की जो सरफेस स्पीड निकालनी है हमने, उसकी पुल्ली की जो सरफेस स्पीड निकालनी है तो निकाल सकते हैं, और या उसके आरपीएम हमने फाइंड आउट करने हो, मान लो हमारे पास n1 ना दिया हो तो हम n1 निकाल सकते हैं, उसमें उस कंडीशन में n2 गिवन होगा, और अगर हमारे पास कोई डायमीटर नहीं दिया किसी पुल्ली का तो इस रेशो के द्वारा हम उसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं अगर हमें डायमीटर ना गिवन हो। और इसी प्रकार हम जो इसकी सरफेस स्पीड होती है बेल्ट की वो भी निकाल सकते हैं कि पाई डी वन एन वन से इसको कैलकुलेट करके। तो शुरू में जो आएगी मीटर पर मिनट में आएगी, तो उसको 60 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी रेशो हम निकालते हैं एन वन बटे एन टू। तो एन वन जितनी गिवन होगी उसको एन टू से डिवाइड करके जो रेशो आएगा वो वेलोसिटी रेशो है। बेल्ट या गियर द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं इसके संबंधित तो आपको वीडियो की इस पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस प्रकार के जो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।